नमस्कार दोस्तों, बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट के सीरीज़ के एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले सीरीज़ के अंदर देखा था, पिछले एपिसोड के अंदर देखा था एनएससी इंडाइसेस मतलब इंडेक्स, जो भी एनएससी के अंदर इंडेक्स लिस्टेड है हमने उसके ऊपर बात करी थी। कितने लिस्टेड हैं इंडाइसेस अपन ने उसके ऊपर भी बात करी थी। हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में अपन जो भी इंडाइसेस हैं, जो भी इंडेक्स हैं, उनके अंदर घुस के उनको डिटेल में जानेंगे। तो उसी का आज वीडियो है। अपन आज पहले टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो है बैंक निफ्टी इंडेक्स, जो कि एनएससी इंडाइसेस के अंदर ही आता है, या फिर एनएससी इंडेक्स के अंदर ही हमारा जो पहला इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी। अब ये बैंक निफ्टी है क्या, देखिए जानिए। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट करता है बैंकिंग सेक्टर के परफॉर्मेंस को, जो कि हमें दिखाता है जो भी परफॉर्मेंस चल रहे हैं, जितने भी बैंक निफ्टी के अंदर बैंक लिस्टेड हैं उनका पूरा ये अपना परफॉर्मेंस दिखाता है। सबसे पहले ये जानिए, सबसे पहले बैंक निफ्टी के अंदर टोटल 12 बैंक्स लिस्टेड हैं जो कि मेजर बैंक्स हैं और जिनका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जो मार्केट, जो अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया के अंदर वो बहुत ही बड़ा है, और वो 12 बैंक्स, टॉप 12 बैंक्स आप मान सकते हैं जो इंडिया के हैं, जो कि बैंक निफ्टी के अंदर लिस्टेड, और बैंक निफ्टी हमें उनका ही परफॉर्मेंस शो करता है। लिस्टेड बैंक्स इन बैंक निफ्टी, अपन देखते हैं लिस्टेड बैंक्स कौन कौन से हैं बैंक निफ्टी के अंदर, वो टॉप 12 बैंक्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। हमें सबसे पता है जो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है वो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे कि हमें पता है सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है और ये सबसे ज्यादा वेटेज बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट करता है। इट मीन्स अगर एचडीएफसी की न्यूज नेगेटिव है तो फिर वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा बैंक निफ्टी को। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी को जो अपना एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है वो 25-30% तक वेटेज कवरेज करता है। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 25-30% इम्पैक्ट डालता है बैंक निफ्टी के अंदर। अगर एचडीएफसी बैंक जो है पॉजिटिव है तो बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव रहेगा। सेकंड आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड। आईसीआईसी बैंक लिमिटेड भी एक मेजर प्राइवेट बैंक है, मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो कि इसका भी है 15-20% वेटेज है, मतलब ये भी 15-20% इम्पैक्ट डालता है बैंक निफ्टी के अंदर। जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वो तो अपना एचडीएफसी बैंक है, सेकंड नंबर पे अपन मान सकते हैं आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, ये भी 15-20%। देखो सबका कोरिलेशन है, अगर एक बैंक अगर नेगेटिव है तो दूसरा बैंक भी नेगेटिव रहेगा, अगर एक बैंक पॉजिटिव है तो दूसरा बैंक भी पॉजिटिव रहेगा, ये तो हमें पता है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि हाँ किसी में न्यूज़ आ गई तो चार बैंक्स पॉजिटिव है, चार बैंक्स नेगेटिव है, वो बात अलग है। बाकी अगर बैंक्स पॉजिटिव है इट मीन्स अपना जो बैंक निफ्टी है वो भी पॉजिटिव रहने वाला है। थर्ड नंबर पे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये भी अपना ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है, ये अपना प्राइवेट सेक्टर नहीं है, अपना पब्लिक सेक्टर है, जो कि बैंक निफ्टी को जो इम्पैक्ट डालता है वो भी 15-20% डालता है। देखिए बैंक निफ्टी में इम्पैक्ट डालता है इसका मतलब आपको बैंक निफ्टी के, अगर आप ट्रेडिंग करते हो बैंक निफ्टी के अंदर, तो आपको बैंक्स को भी अपना ऑब्जर्व करना रहेगा कि कौन से बैंक्स में क्या क्या न्यूज़ कब कब आ रही है, क्योंकि अगर बैंक्स के अंदर न्यूज़ आ रही है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बैंक्स जो है वो इम्पैक्ट करते हैं बैंक निफ्टी को। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जिसके अंदर सारे बैंक्स हैं। अगर बैंक्स की न्यूज़ अगर आपको एकदम एग्जैक्ट पता होगी तो फिर आप बैंक निफ्टी को अच्छे से एकदम एनालाइज कर सकते हो और उसमें अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो आपको बैंक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उनकी न्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बैंक निफ्टी के अंदर पैसा बना सकते हो, अदरवाइज़ आप पैसा नहीं बना सकते। फोर्थ नंबर पर आता है कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड भी एक प्रोमिनेंट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि यूजुअली 10-15% इम्पैक्ट डालता है बैंक निफ्टी के ऊपर। फिफ्थ जो नंबर पे वो है एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि होल्ड, मतलब जो कि एक अपना इम्पैक्ट डालता है बैंक निफ्टी के ऊपर, वो है 5-10%। सिक्स नंबर पर आता है इंडसइंड बैंक लिमिटेड। ये एक जो है यूजुअली रेंज बिटवीन 5-10%। इनका देखो जैसे जैसे नंबर्स नीचे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे इम्पैक्ट कम होता जाएगा। जो कि मेन जो 3-4 बैंक है वो ऊपर के टॉप 4 बैंक्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। पहला अपना था HDFC, सेकंड ICICI, थर्ड SBI और फोर्थ कोटक बैंक। इनका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। इसका मतलब आप यह जानिए कि अगर आपको इनका अच्छा सा एनालिसिस कर लिया आपने चार बैंक्स का, तो फिर आप जान सकते हैं कि बैंक निफ्टी कौन से साइड जाने वाला है और बैंक निफ्टी में कब कब कौन कौन से बड़े मूव्स आने वाले हैं। तो आपको बैंक निफ्टी के लिए आपको बैंक्स का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेवन्थ नंबर पर आता है PNB पंजाब नेशनल बैंक। ये हमें पता है मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक है और ये भी 5-10% इम्पैक्ट डालता है बैंक निफ्टी के ऊपर। एट नंबर पर आता है फेडरल बैंक लिमिटेड। देखो जैसे जैसे मैंने आपको कहा जैसे जैसे नंबर्स नीचे नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे उनका जो इम्पैक्ट है वो कम होता जाएगा। जैसे कि फेडरल बैंक का 2-5% है। नवे नंबर पर आता है IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। इसका भी रेंज जो है वो 1-3% ही है। मैंने आपको कहा था जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे इसका वेटेज जो कि इम्पैक्ट है वो कम होता जाएगा। 10-10वें नंबर पर आता है बंधन बैंक। ये भी 1-3% इम्पैक्ट डालता है बैंक निफ्टी के अंदर। 11th नंबर पे आता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी 2-3% इम्पैक्ट डालता है। और लास्ट है अपना BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। ये भी 1-2% का ही अपना इम्पैक्ट डालता है बैंक निफ्टी के अंदर। देखो जो अपने 17 इंडाइसेस हैं NSE के अंदर
उसमें से अपना पहला इंडाइसेस जो है, इंडेक्स भी बोल सकते हो, इंडाइसेस एक ही मतलब होता है, इंडेक्स और इंडाइसेस का इतना कुछ इतना कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही मतलब जान लिया, फिर इंडाइसेस बोल लीजिए या फिर इंडेक्स बोल लीजिए। फर्स्ट जो अपना था बैंक निफ्टी, अपन ने उसका इंडाइसेस का पूरा कंप्लीट कर लिया। बैंक निफ्टी के अंदर, इंडेक्स के अंदर जो जो बैंक्स है, 12 बैंक्स लिस्टेड होते हैं और उसका कितना वेटेज है वो अपन ने जान लिया है। स्टॉक मार्केट में इतना जान लिया कि किसमें कितना वेटेज है, तो ये बेसिकली आपके लिए बहुत सफिशियंट होगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियोज में अपन जितने भी अपने 17 इंडाइसेस हैं उसमें से अपना एक इंडाइसेस कंप्लीट हो चुका है, 16 बचे हैं, जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें अपन सब के अंदर जितने भी सेक्टर्स के अंदर, जितने भी इंडाइसेस के अंदर, जितने बैंक्स या फिर जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं उसकी लिस्ट बना के आपको जिसमें जितना वेटेज है, जितना इम्पैक्ट डालता है, वो सब हम आपको बताते रहेंगे और ऐसी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।